गाइस, पिछले काफ़ी दिनों से हम हैम्पशायर कॉम्बैट के अंदर डेली बेसिस पे अपने टाइम और एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि हमें यहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न मिल सके। एंड ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि ये जो हमारा टाइम और एनर्जी यहाँ पे लग रही है, इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि डे बाई डे हैम्पशायर कॉम्बैट के अंदर यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं एंड जो यहाँ पे रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक लिमिटेड अमाउंट ही होगा। तो मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स लोगों के माइंड में है जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, कि वो कौन सी गलती है जो आपको अवॉइड करनी है एंड वो कौन से सही स्टेप्स हैं जो आपको माइंड में रखने या फिर आपको फॉलो करने हैं ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स यहां से मिल सके। क्योंकि हो सकता है आप एक्टिवली सारी चीजें कर रहे हो बट सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये एक तरीके का गेम है एंड जो अच्छे परफॉर्मर होंगे ना सिर्फ वही रिवॉर्ड किए जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखने वाला हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो और आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वहां पे हम डेली साइफर डेली कॉम्बो सबसे पहले शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको यहां पे फॉलो करना है वो ये है कि आपको इस गेम के अंदर एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में एक घंटे के लिए आ रहे हो, उसी में आपने डेली कॉम्बो को भी क्लेम कर लिया, आपने डेली साइफर क्लेम कर लिया, जो भी क्वाइंस कलेक्ट हुए उनको आपने क्लेम कर लिया, एक घंटे में ही सारी चीजें खत्म करके आप बैठ गए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 24 आवर्स के अंदर एटलीस्ट 10 से 15 बार एप्लीकेशन पे आना है, माइनिंग करनी है, टैप करना है एंड जो भी यहाँ पे टास्क है उनको एक ही बार में ना करके अलग अलग टाइम फ्रेम पे करना है, जिससे कि जो हैम्पशायर कॉम्बैट की टीम है उसको ये ना लगे कि आप एक्टिव यूजर नहीं हो या फिर आप कोई बॉट हो। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इसको ऑटोमेटिक सिस्टम पे यानी बॉट्स के थ्रू भी माइनिंग कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक सारे टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को वो डिटेक्ट करके उनको एयरड्रॉप की लिस्ट से बाहर कर देंगे, तो वहाँ पे आप एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इसलिए आप 3 से 4 घंटे के बाद एक बार ज़रूर इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करो। सेकेंड थिंग, प्रॉफिट पर आवर को लेके काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट पर आवर की स्पीड होती है वो हमारे उसी स्पीड से हमारे कॉइन्स 24/7 माइन होते रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमारी स्पीड 1 मिलियन पर आवर की है तो 24 घंटे में हमारे 24 मिलियन कॉइन्स ऑटोमेटिक माइन हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन वाली टैब मिलती है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी जो ऑटोमेटिक माइनिंग होती है ना वो सिर्फ 3 आवर्स तक होती है, उसके बाद आपकी जो ऑटो माइनिंग है वो बंद हो जाती है, उसके बाद आपको आके क्लेम करना है, तब आपकी जो माइनिंग है ऑटोमेटिक वाली वो फिर से रिस्टार्ट होगी। इसलिए आपको 3-3 घंटे पे आके इन टोकन्स को क्लेम करना होगा। इसीलिए मैं आपसे बोला कि हैम्पशायर कॉम्बैट के अंदर आपकी परमानेंट एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट थिंग जिसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स को एक्युमुलेट करना है या फिर अपने प्रॉफिट पर आवर की स्पीड को बढ़ाना है। अब इसको लेके काफी सारी कंफ्यूजन मार्केट में है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूंगा, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है एंड दोनों के बीच में आपको एक अच्छा बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉफिट पर आवर की स्पीड बढ़ाने के चक्कर में सारे कॉइन्स स्पेंड कर दिए या फिर आप कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हो प्रॉफिट पर आवर की स्पीड पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हालांकि हैम्पशायर कॉम्बैट की टीम ने ये ट्वीट किया था कि भाई प्रॉफिट पर आवर की स्पीड को आपको बढ़ाना है या फिर ये इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं था कि आपको कॉइन्स पे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि कॉइन्स ही आपका लेवल ऊपर लेके जाएंगे एंड एयर ड्रॉप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपके लेवल्स के हिसाब से होगा। ये हम जानते हैं अपने 4th स्टेप में। अब हम बात करते हैं आपको बड़ा एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, कैसे आपको बड़ी से बड़ी एलोकेशन मिले ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इस एयर ड्रॉप के थ्रू हो सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके का एक्सचेंज है जिसके आप CEO हो और इसको अच्छे से बिल्ड करने के लिए आप मल्टीपल टास्क को यहाँ पे करते रहते हो, तो ओवरऑल आपकी जो भी एक्टिविटी या परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से आपका एक लेवल होगा। जैसे आपके कॉइन्स है तो वहाँ पे भी मास्टर, ग्रैंड मास्टर, लॉर्ड, इस तरीके के काफ़ी सारे लेवल्स हैं। तो एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए इनके टॉप 4 लेवल हैं, यानी 4 कैटेगरीज हैं जिनमें अलग अलग नंबर्स ऑफ यूजर्स हैं जिन्होंने हैम्पशायर कॉम्बैट पे माइनिंग करी है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो टॉप लेवल पे होंगे उनमें सबसे कम यूजर्स होंगे, उसके बाद वाला जो लेवल होगा उससे उसमें ज्यादा यूजर्स होंगे एंड जो 3rd लेवल होगा उसमें और ज्यादा यूजर्स होंगे एंड 4th लेवल पे सबसे ज्यादा यूजर्स होंगे। अब जो एलोकेशन होगी ना वो हर कैटेगरी के लिए सेम होगी। तो मान लीजिए जो टॉप लेवल पे बैठे हैं उनको भी $100 मिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन मिलना है, बट उसमें जो यूजर्स हैं वो बहुत कम है तो उनको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। ठीक उसी तरीके से उसके बाद जो 2nd लेवल होगा उस पर भी 100 मिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, बट उसमें जो यूजर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं, मतलब पहले वाले लेवल से ज्यादा हैं, तो उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पहले वाले की कंपैरिजन में कम टोकन्स एलोकेट होंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 4th लेवल पे सबसे कम एलोकेशन मिलेगी। इसीलिए आपका जो लेवल है उसको आपको बढ़ाना है। अब लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें
आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले तो आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे साइफर कोड क्लेम करना है। डेली बेसिस पे आप डेली कॉम्बो को क्लेम करोगे, यूट्यूब वीडियो जो हैमस्टर कॉम्बैट की आती है उसको आपको देखना है, या जो भी यहाँ पे कार्ड्स आते हैं उनको भी आप डेली बेसिस पे क्लेम करो। अब यहाँ पे जो कार्ड्स आते हैं ना उनको क्लेम करने में बहुत सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं। गलतियाँ ये कर रहे हैं कि जहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉफिट पर आवर की स्पीड मिल रही है और कम कॉइन स्पेंड करके सिर्फ उन्हीं का वो लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। बाकी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कार्ड्स भी होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा कॉइन स्पेंड करने पड़ते हैं बट आपकी प्रॉफिट पर आवर की स्पीड नहीं बढ़ती है और लोग उनको अवॉइड कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जितने भी कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एक्सचेंज का लेवल है वो इन बातों पर भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन कौन से फीचर्स अपने एक्सचेंज में ऐड कर रखे हैं। तो मेक श्योर दैट आप जो भी इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं, न्यू कार्ड्स हैं, उनको क्लेम करते जाओ। मैं नहीं कह रहा कि जिनमें बहुत ज्यादा कॉइन्स स्पेंड हो रहे हैं आप उन्हीं को क्लेम करके अपने सारे कॉइन खत्म कर दो, बट मेक श्योर दैट एक एक बार तो एटलीस्ट हर एक कार्ड को आप अनलॉक जरूर करो। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो आपको करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एयर ड्रॉप मिस कर सकते हो, वो है आपका वॉलेट आपके हैमस्टर कॉम्बैट में कनेक्ट होना। आपको टर्न कीपर एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है एंड उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है वॉलेट से, क्योंकि यहाँ पे जब एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपके वॉलेट में आएगा। अब उस वॉलेट से आप उन कॉइन्स को ले जाओगे किसी एक्सचेंज पे एंड उस एक्सचेंज पे सेल करके आप उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ले जा पाओगे। तो अगर आप क्रिप्टोकरेंसी स्पेस में नए हो और आपको एयर ड्रॉप क्लेम करने का प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे हम एयर ड्रॉप के कॉइन्स को सेल करके प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में ले जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दूंगा कि कैसे हम एयर ड्रॉप के कॉइन्स को क्लेम करते हैं, कैसे उनको हम एक्सचेंज पे ले जाते हैं एंड कैसे उनको सेल करके INR को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं। तो यही कुछ स्टेप्स हैं जो आपको माइनिंग करते वक्त याद रखने हैं ताकि भाई आप जो इतने एफर्ट्स और अपना टाइम दे रहे हो वो वेस्ट ना जाए एंड जब भी एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हो आपको अच्छे अमाउंट में टोकन्स मिले एंड आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यहां से बना पाओ। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।